देखो भाई, मैं फर्स्ट डे से ही मस्ताने के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आपको बताए हैं और मैं फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर रिव्यू नहीं बना रहे यूट्यूबर्स, जबकि ये हिंदी में भी रिलीज़ हुआ था, दिल्ली मुंबई में हिंदी में रिलीज़ हुआ और मैंने इसके ऊपर दो वीडियोज़ बनाए कि यूट्यूबर्स कुछ नहीं बोल रहे इसके ऊपर। और अब 25 दिन हो चुके हैं, किसी भी यूट्यूबर का मुँह नहीं खोल रहा। एक है योगी बोलता है, जिन्होंने भाई अपना मुँह खोला था और उन्होंने भाई दो वीडियोज़ बनाए थे इसके ऊपर, जो कि मैंने इनके चैनल में जाके देखा था। योगी बोलता है ने दो वीडियोज़ बनाए थे, बाकी भाई बड़े बड़े यूट्यूबर है जिनका मैं नाम भी लेना चाहूंगा, चाहे वो दीक्षा शर्मा ही क्यों ना हो, भाई एक भी वीडियो नहीं डाला इसके ऊपर। अब क्यों नहीं डाला मुझे नहीं पता यार, बिकॉज इसका कलेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है। इसका जो कलेक्शन है वो लगभग 87-88 करोड़ के आसपास आ चुका है। और भाई जो साउथ के बड़े बड़े मूवीज होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूवीज होते हैं, अभी रवि तेजा का एक मूवी था वो जस्ट अभी 100 करोड़ के ऊपर मार किया है। तो भाई पंजाब के इंडस्ट्री की तरफ से भी एक ऐसा मूवी आया था जिसको प्रेज करना चाहिए था। अगर कैरी ऑन जट्टा 3 होता तो भाई लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात किया था। तो ये भी एक मूवी था जो 100 करोड़ के बिल्कुल पास में जाके खड़ा है और बहुत जल्दी 100 करोड़ का मार्क भी क्रॉस करने वाला है, पर इसके ऊपर अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने कुछ नहीं बोला। बड़े बड़े यूट्यूबर शांत है भाई, 25 दिन हो गए, अब तो मान तो लो कि भाई हाँ एक मूवी आया था और ये मूवी देखने में ऐसा था, बस इतना ही तो बोलना है। और भाई थोड़ा सा भी अगर इसका प्रमोशन कर दे, कुछ भी मुंह से दो शब्द ही बोल दे भाई, बहुत है इनके लिए। पर अब आप यूट्यूब कम्युनिटी से भाई पूरा एकदम विश्वास उठा लो, बिकॉज भाई ये वही यूट्यूब कम्युनिटी है जो पहले टिकटॉक को रोस्ट करती थी और जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स आया तो भाई यूट्यूब शॉर्ट्स के पीछे भाग गई, और जब उनको क्रिंज बोलते थे अभी वही क्रिंज कंटेंट खुद बनाते हैं। पहले बोलते थे कि भी 25 सेकंड में कुछ अपना ऐसे इमेजिनेशन दिखाओ, कुछ अच्छे वीडियोस बनाओ, इन्फॉर्मेशन दो, पर अभी जैसे ही यूट्यूब शॉर्ट्स आया तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जो चीज़ टिकटॉकर्स करते थे वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद बिग बॉस, भाई बिग बॉस के ऊपर इन्होंने इतने रोस्ट वीडियोज़ निकाले, जैसे ही दो यूट्यूबर्स का क्लैश हुआ, जैसे ही बिग बॉस पे व्यूज़ मिलना स्टार्ट हुआ, इनका भाई ईमान धर्म सब कुछ बदल गया। अब इनके लिए बिग बॉस मतलब एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जाना है तो बिग बॉस में जाओ, बाकी कहीं जाओ ही मत, अब बिल्कुल ही मतलब आराम से जा रहे हैं अब ये लोग, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब व्यूज़ मिल रहा है ना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बिग बॉस को रोस्ट करके व्यूज़ मिलता था, अब बिग बॉस का सपोर्ट करके व्यूज़ मिल रहा है। व्यूज़ कहीं से भी मिले, इनको बस व्यूज़ चाहिए, जहाँ से व्यूज़ मिलेगा वहीं पे उसी टॉपिक पे ये लोग बात करेंगे। और यार मेरे ख्याल से उनका चॉइस है कि वो मस्ताने के ऊपर वीडियो बनाना चाहें या ना चाहें, भाई उनकी अपनी चॉइस है, पर भाई बनाओ तो सही यार। मतलब 85 करोड़ का एक ऐसा मूवी निकला था जिसके ऊपर आपने बात तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, छोटे छोटे यूट्यूबर्स, बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात किया है, और जो बात कर भी रहे ना भाई, वो भी व्यूज़ के लिए पता नहीं यार कैसे 120 करोड़ कोई बता रहा है, कोई 140 करोड़ बता रहा है, कोई 50 करोड़ बता रहा है, भाई क्या हो रहा है यार। बॉक्स ऑफिस में जितना कलेक्शन आया है उतना ही कलेक्शन बताओ, फालतू में यार ये क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक तो फेक न्यूज़ तो अलग ही चल रहा है यूट्यूब पे, और ऊपर से ये लोग मुंह नहीं खोलते। बड़े यूट्यूबर्स भाई वो इतना अच्छा रिसर्च करके लाते हैं पर उनको वीडियो नहीं बनाना, बिकॉज वीडियो बनाने में टाइम लगता है, और जहां तक मुझे पता है रिव्यू चैनल जो होता है ना उसमें एडिटिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई। कोई फैक्ट वगैरह का चैनल हो तो उसमें टाइम लगता है, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारे ट्रांजिशन वगैरह डालने होते हैं। इसमें क्या है भाई, आपको बस आना है, मूवी जाके देखना है और उसके ऊपर रिव्यू देना है, बस दैट्स ऑल भाई। इसमें इतना भी कुछ ज्यादा इतना वो एडिटिंग वगैरह नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे माइंड प्रेशर डाल के देखना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फिर भी भाई इन्होंने कोई रिव्यू नहीं निकाला। अब भाई 25 दिन हो चुके हैं और मेरा भाई इनके ऊपर से उम्मीद खत्म हो चुका है। तो मेरा ये लास्ट मैसेज था यूट्यूबर्स के लिए भाई, अभी इतना सा भी शर्म बचा हो तो प्लीज जाके इस मूवी को देखो और रिव्यू करो भाई, अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा, बिकॉज इसका बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है वो नहीं रुक रहा। तो अब आपको मुंह खोलना पड़ेगा, नहीं खोलोगे तो भाई मत खोलो, योर चॉइस भाई। मैं आप ऑडियंस के ऊपर डाल देता हूं कि भाई आपको जो करना है करो, पर मस्ताने देखो भाई, बहुत ही अच्छा मूवी निकला था पंजाब इंडस्ट्री की तरफ से, हर एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।